दोस्तों क्या आप लोग अल्ट बालाजी का यूज करना चाहते हो? अगर आप लोग अल्ट बालाजी का यूज करना चाहते हो तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा अल्ट बालाजी एक ऐप है जिस पे आप लोग तरह तरह के वेब सीरीज, तरह तरह के मूवी या तरह तरह के वीडियो आप लोग देख सकते हो। वहाँ पर आप लोग काफ़ी सारे अवेलेबल मिलते हैं जिन्हें आप लोग फ्री में भी देख सकते हो और वहाँ पर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेकर भी देख सकते हो। तो अगर आप लोग अल्ट बालाजी का यूज करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को अल्ट बालाजी पे लॉगिन करना पड़ता है या अकाउंट बनाना पड़ता है। तो कैसे आप लोग अल्ट बालाजी पे लॉगिन करोगे या अकाउंट बनाओगे, मैं आप लोग इस वीडियो में सारे चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग का जानना या सीखना होगा कि अल्ट बालाजी पे लॉगिन या अकाउंट कैसे बनाया जाता है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग सारे चीज़ें बहुत ही आसानी तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अल्ट बालाजी ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ऊपर में आप लोग को 3 लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो 3 लाइन वाला ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद ऊपर में आप लोग साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग को साइन इन वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को लॉगिन करने का आ जाएगा और यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे लॉगिन करने के लिए, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साइन इन विद एप्पल, साइन इन विद फेसबुक, यानी अगर आप लोग के पास फेसबुक अकाउंट होगा तो आप लोग फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो, ईमेल अकाउंट होगा तो ईमेल से भी कर सकते हो, या एप्पल का अकाउंट होगा तो उससे भी आप लोग कर सकते हो। तभी मैं आप लोग अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए ऊपर में आप लोग मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे में यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देना होगा मोबाइल नंबर डालने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग सब्सक्रिप्शन ना भी लोगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग किसी में से एक को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि 100 रुपये में 3 मंथ, 300 रुपये में 12 मंथ और 180 रुपये में 6 मंथ। तो यहाँ से आप लोग को जो भी लेना होगा या ना भी लेना होगा तो यहाँ पर आप लोग किसी में से एक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अभी मैं 100 रुपये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी 3 मंथ वाला। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर मोबाइल नंबर आएगा, अगर इसको एडिट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो नीचे में आप लोगों को सेलेक्ट एज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आप लोग अपना एज सेलेक्ट कर सकते हो। आप लोग जितने उम्र के हो, 18 साल के हो, 19 साल के हो, वो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करोगे नीचे में उसके बाद यहाँ पे आप लोग के मोबाइल फ़ोन पे OTP आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग के मोबाइल फ़ोन पे 4 डिजिट का OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे आप लोग को डाल देना होगा। OTP को यहाँ पे देख सकते हो मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को 3 मंथ पैक, यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोग जो 100 रुपये का सब्सक्रिप्शन लिए हो वो पैसे यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि पेटीएम, UPI, क्रेडिट कार्ड, यानी जिससे भी आप लोग पेटीएम से पैसे वहाँ पे करना चाहते हो कर सकते हो। नहीं करना है मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मान लो अगर आप लोग के पास पेटीएम होगा तो आप लोग पेटीएम वाला ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। पेटीएम वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग का पेटीएम नंबर आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से 100 रुपये पे करना चाहते हो तो पे कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आप लोगों से बता दूँ कि नहीं मेरे पास ATM है, ना ही डेबिट कार्ड है, ना ही क्रेडिट कार्ड है, यानी कुछ नहीं है, मैं केवल यहाँ पे लॉगिन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग बैक आ जाइएगा, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप लोग को लेना होगा तो ये पैक आप लोग ले सकते हो, लेकिन अभी मैं नहीं लिया, फिर भी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, जो कि अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं अभी बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि अब मेरा जो है वो अल्ट बालाजी ऐप पे लॉगिन हो चुका है। बैक आने के बाद यहाँ से मैं फिर से 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वेलकम लिख रहा है, यानी अब मेरा जो है अल्ट बालाजी ऐप पे लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग काफ़ी सारे ऑप्शन भी नीचे में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सेटिंग, डाउनलोड्स, फेवरेट, मूवी, कॉमेडी, यहाँ पे आप लोग काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे आप लोग लॉगिन कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग विदाउट सब्सक्रिप्शन लिया भी आप लोग का लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद अल्ट बालाजी पे जो भी अवेलेबल है उन्हें आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल फ्री में भी देख सकते हो। और सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो आप लोग सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, नहीं तो विदाउट सब्सक्रिप्शन के भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है जिन्हें आप लोग विदाउट सब्सक्रिप्शन के देख सकते हो। तो अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही अगर आप लोग अल्ट बालाजी ऐप पर अपने मोबाइल नंबर से या फेसबुक से या कुछ भी से यहाँ पर आप लोग लॉग इन कर सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोग किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो।